उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के बीजेपी कार्यालय पर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए बजट को लेकर जनपद के प्रभारी मंत्री सुरेश पासी ने पत्रकारों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ केंद्र सरकार द्वारा लाए गए एक बजट का आभार व्यक्त किया। जनपद के प्रभारी मंत्री सुरेश पासी ने बजट को ऐतिहासिक बताया। भाजपा कार्यालय पर आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनपद के प्रभारी मंत्री सुरेश पासी ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए केंद्रीय बजट में सभी के लिए समर्पित और किसान, गरीब और बेरोजगारों को रोजगार सृजन करने वाला बजट बताया। सुरेश पासी ने केंद्र की मोदी सरकार में आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के साथ न्यू इंडिया की परिकल्पना को मुख्य रूप प्रदान करता है। ये बजट प्रत्येक भारतीय के हितों को देखते हुए बनाया गया है। आप सबके चैनल के माध्यम से मुझे जनपद मऊ में जो केंद्र सरकार का बजट प्रस्तुत हुआ है उसके विषय में आप सबसे चर्चा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। 2021 का बजट जो है देश के गांव, गरीब, किसान, कल्याण और हर भारतीय के समग्र विकास के लिए यह बजट समर्पित है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत अभियान, वोकल फॉर लोकल के साथ न्यू इंडिया परिकल्पना की मूर्त रूप प्रदान करता है। बजट में रोजगार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर विशेष फोकस, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार, इंश्योरेंस सेक्टर में FDI की नीति में बदलाव, स्वास्थ्य में पहली बार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट में 137% तक बढ़ाकर पिछली बार के 92,000 करोड़ के मुकाबले 232,000 करोड़ रुपए किया गया। इससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी सुधार होगा, लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना में 75,000 गांव में वेलनेस सेंटर की स्थापना की जाएगी, जिसमें जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो अन्य स्वास्थ्य संबंधित संस्थान हैं, उनमें मशीनरी बढ़ाई जाएगी, जिससे लोगों को आसानी से उनके गांव में स्वास्थ्य लाभ मिल सके। कोरोना में वैक्सीन पर 2021-22 में 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान रखा गया है, जिससे हमारे प्रदेश को भी अच्छा लाभ मिलेगा। कृषि के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के हित में इस बजट में काफी कुछ सुधार किया है। मैं बात करूं तो 2013-14 में गेहूं पर जो है 33,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जो 19 में 63,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए और 2021 में 75,100 करोड़ रुपए MSP के लिए रखा गया, जो 43 लाख किसानों को इसका फायदा सीधे मिला।